नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 28 जुलाई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 41,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए 3 दिन के आंकड़ों के अनुसार 26 जुलाई को 812 मामलों की पुष्टि की गई थी। वहीं 25 जुलाई को 1,048, साथ ही 24 जुलाई को 332 मामलों की पुष्टि करने के बाद तीनों दिन को मिलाकर 2,192 मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 41,111 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 30, अरवल में 15, औरंगाबाद में 67, बांका में 27, बेगूसराय में 43, भागलपुर में 37, भोजपुर में 77, बक्सर में 42, दरभंगा में 48, गया में 91, गोपालगंज में 26, जमुई में 25, जहानाबाद में 14, कैमूर में 31, कटिहार में 25, खगड़िया में 18, किशनगंज में 60, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 51, मधुबनी में 57, मुंगेर में 22, मुजफ्फरपुर में 53, नालंदा में 87, नवादा में 51, पश्चिम चंपारण में 79, पटना में 553, पूर्वी चंपारण में 46, पूर्णिया में 82, रोहतास में 69, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 30, सारण में 63, शेखपुरा में 21, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 19, सिवान में 29, सुपौल में 78, वैशाली में 31। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन जारी किए गए शाम 4 बजे तक के अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 27,884 मरीज ठीक हो चुके हैं। पटना एम्स में वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण हुआ सफल। कोविड-19 के बेकाबू हो रहे माहौल के बीच पटना एम्स से राहत भरी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। वैक्सीन लाने वालों की स्वास्थ्य समीक्षा के बाद डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा कि पहला चरण सफल रहा, जिसके बाद अब 29 जुलाई को कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। दूसरे डोज देने के बाद 2 सप्ताह फिर से इनके स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी, जिसके बाद कोविड-19 के संभावित वैक्सीन आने की उम्मीद एक बार फिर से जाग गई है। 31 जुलाई को नितिन गडकरी करेंगे गांधी सेतु का उद्घाटन। बिहार के लोगों के लिए कोविड-19 के इस माहौल के बीच बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को एक सूत्र में बांधने वाला गांधी सेतु पुल बनकर तैयार हो गया है। महात्मा गांधी सेतु पश्चिमी लेन बनकर पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है और इस पुल पर 31 जुलाई से आम लोगों के परिचालन की सुविधा शुरू करवा दी जाएगी। हालांकि उसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 31 जुलाई को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें, इस पुल को बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसमें लगभग 3 साल का समय लगा है। मौसम विभाग ने बिहार के 16 जिलों में बारिश की जताई संभावना। बाढ़ से परेशान चल रहे बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान चिंताजनक हो सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 16 जिलों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, लखीसराय, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, नवादा, नालंदा, गया, बक्सर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बिहार में 12वीं पास के लिए निकाली गई रिक्तियां। 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने आवेदनों की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में केंद्रीय चयन परिषद ने फॉरेस्ट यानी कि वनपाल के पद पर 236 वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए 10 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है। इन पदों पर चयन की बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता के परिणाम स्वरूप लिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी ले सकते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय तैयार करेगा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एनर्जी ड्रिंक। कोविड-19 के इस माहौल में सभी लोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की अपील की गई है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले एनर्जी ड्रिंक तैयार किए जाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए अपने भागलपुर की कंपनी से समझौता किया गया है। कंपनी पर पदार्थ के रूप में तुलसी, एलोवेरा सस्ती दरों पर इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने वाली है, जिसे पीने से प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होगी। उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पद से किया गया बर्खास्त। कोविड-19 के इस माहौल में बढ़ रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए सीनियर IAS अफसर प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उदय सिंह कुमावत को सरकार ने पद से हटा दिया है। उनकी जगह प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें, बीते शनिवार को कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य महकमा के अफसरों की जमकर क्लास लगाई थी। हालांकि अभी तक इस बाबत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
मोती की खेती करने वालों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तारीफ। बिहार के बेगूसराय जिले के तेतरी निवासी जयशंकर सिंह ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। इन्होंने सीप पालन से उत्कृष्ट किस्म की मोती तैयार कर ग्रामीण कुटीर उद्योग को एक नई दिशा दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया मन की बात कार्यक्रम में मोती की खेती का जिक्र आने के बाद जयशंकर सिंह के हौसले की उड़ान की चर्चा की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से जयशंकर सिंह ने अपने उद्योग को आगे बढ़ाने की हिम्मत दिखाई है, जिसके बाद एक बार फिर से तेतरी गांव देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लैब टेक्नीशियन ने सड़कों पर उतरने की कही बात। कोविड 19 के इस माहौल के बीच अस्पताल से लेकर शासन प्रशासन तक की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं इसी बीच लैब टेक्नीशियन ने सड़कों पर उतरने की बात कही है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन कोविड 19 की जांच करते आ रहे हैं और लगातार इसकी चपेट में आते देखे जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 678 लैब टेक्नीशियन ने संविदा पर 10 साल से अस्पतालों में कार्यरत है। उन्होंने कहा है कि बीएसएससी के द्वारा किए गए काउंसलिंग के 5 साल बाद भी अब तक सेवा स्थायी नहीं हो सकी है। स्थायी करने की मांग को लेकर के अब वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अभिनेता रवि किशन ने राज्यपाल फागू चौहान को लिखा पत्र। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता रवि किशन ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए रवि किशन ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में भोजपुरी भाषा में पढ़ाई की मांग की है। रवि किशन चाहते हैं कि हिंदी की तरह ही भोजपुरी भाषा को भी सिलेबस में शामिल किया जाए। इस पत्र के जरिए रवि किशन ने लिखा है कि भोजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और यह भारत समेत दुनिया के 17 देशों में बहुसंख्यक लोगों के बीच बोली जाती है, इसलिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत करने की मांग की गई है। बिहार में कोविड 19 और बाढ़ की बढ़ रही समस्या से परेशान है रामविलास पासवान। बिहार में कोविड 19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों के बीच बाढ़ ने भी आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है, जिसको देखते हुए केंद्रीय खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही राज्य सरकार को दो टूक नसीहत देते हुए कहा है कि इस वक्त बिहार में कोविड 19 और बाढ़ का कहर जारी है, इस दौरान बिहार के लोगों के लिए राशन की कमी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही रामविलास पासवान ने 2-3 महीने का राशन एक साथ दिए जाने की सलाह भी दी है। कोरोना और बाढ़ के बीच सांसद और विधायक हुए लापता। बाढ़ और कोविड 19 परेशानी के बीच सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र से गायब नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि ग्रामीण अब अपने नेताओं को खोज रहे हैं, लेकिन यह नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके लापता होने का पोस्टर लगा दिया है। लापता होने वालों में मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद और विधायक बेबी कुमारी का नाम शामिल है। प्रभावितों का कहना है कि स्थानीय विधायक और सांसद एक बार भी उनके क्षेत्र में सूध लेने नहीं आए हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशी वोट मांगने जरूर आ जाते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला की। चक दे इंडिकेट पानी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसे फिल्मों से काम करके घर घर पहचान बनाने वाले शिल्पा शुक्ला का जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। शिल्पा शुक्ला ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर में काम करके की थी, जहां पर उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एमके रॉय, गोविंद देश पांडे, अरविंद कुमार, महेश दत्तानी और गिरीश के साथ मिलकर कई सारे काम किए थे। वहीं उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म खामोशी पानी में साल 2003 में काम करके अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद शिल्पा ने हजारों ख्वाहिशें ऐसी चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में काम करके खूब सारी लोकप्रियता बटोरी है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के डीएम को दिए जरूरी निर्देश। गोपालगंज पूर्वी चंपारण के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन दोनों जिलों के कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। इन जिलों में बाढ़ राहत कार्य सही ढंग से नहीं होने को लेकर लोगों की नाराजगी भी समय समय पर देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत कर वहां पर बाढ़ प्रभावितों के मदद के लिए सामुदायिक किचन शुरू करने और नाव की संख्या बढ़ाने, पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन और पॉलिथीन शीट के वितरण का निर्देश दिया है। बिहार में 7 आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। बिहार में 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसके तहत सुधीर कुमार को अगले आदेश तक मुख्य परामर्शी बिहार राज्य योजना परिषद के पद पर पद स्थापित कर दिया गया है। वहीं उदय सिंह कुमावत को बिहार राज्य योजना परिषद पटना के पद पर, प्रत्यमृत को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पद पर, वीर कुमार सिंह को प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग बिहार के पद पर, अरुण कुमार सिंह को महानिदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पद पर, सिद्धार्थ को प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार के पद पर और राजीव हंस को सचिव ऊर्जा विभाग बिहार पटना के पद पर पद स्थापित कर दिया गया है। बिहार सैन्य पुलिस के 12वीं बटालियन हेडक्वार्टर के 22 जवान मिले कोविड 19 पॉजिटिव। आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी बड़ी तेजी से कोविड 19 की चपेट में आ रहे हैं। बिहार के सुपौल जिले में इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित भीमनगर में तैनात बिहार सैन्य पुलिस के 12वीं बटालियन में कोविड 19 ने दस्तक दे दी है, जिसके तहत बीएमपी के 22 जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जवान इंडो नेपाल सीमा स्थित भीमनगर के 12वीं बटालियन के कैंप से जुड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी बसंतपुर पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर अर्जुन प्रसाद ने दी है और बताया है कि संपर्क में आए अन्य जवान की सैंपलिंग ली जा रही है।
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बाढ़ में बर्बाद हुई फसल की भरपाई करने का किया ऐलान। बाढ़ के कारण बर्बाद हुई फसलों की भरपाई करने का ऐलान कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया है, जिसके तहत उन्होंने किसानों को फसल सब्जी व फल नुकसान के नियमानुसार इनपुट अनुदान दिए जाने का फैसला सुनाया है। कृषि मंत्री ने मुख्यालय के कृषि अधिकारियों के साथ बाढ़ से फसल नुकसान मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की है। इसी दौरान उन्होंने क्षेत्रीय और जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करके भरपाई करने का फैसला सुनाया है। उत्तर बिहार में गोपालगंज से कटिहार तक बाढ़ और ज्यादा बढ़ाएगी परेशानी। कोविड-19 आकाशीय बिजली के बीच बाढ़ ने बिहार के कई जिलों की परेशानी बढ़ा रखी है। नेपाल में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार गोपालगंज और उत्तर बिहार की परेशानियां खत्म होने वाली नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त तक उत्तर बिहार और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर बिहार में पहले से ही 15 जिलों के 24 स्थानों पर 7 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही थी। ऐसे में यदि नेपाल में अगर और ज्यादा बारिश हुई तो उत्तर बिहार और गोपालगंज से लेकर कटिहार तक की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकारी सेवक के जाने पर परिजनों को रिटायरमेंट तक दिया जाएगा पूरा वेतन, जिसकी जानकारी सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अनुपम कुमार ने दी है। जिसके तहत उन्होंने बताया है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण अगर किसी सरकारी सेवक की जान जाती है तो उसके परिजन अनुकंपा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो उनके रिटायरमेंट की तारीख तक उनके परिवार को पूरा वेतन दिया जाएगा, जिसे विशेष पारिवारिक पेंशन भी कहा जाएगा, और उसके बाद पारिवारिक पेंशन भी मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। 3 अगस्त तक निचली अदालत को किया जाएगा बंद। बिहार में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण में सुरक्षा के मद्देनजर 14 जुलाई से बंद सभी निचली अदालत 1 सप्ताह और बंद करने का फैसला सुनाया गया है। उच्च न्यायालय के जारी निर्देश के आलोक में भारत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश ने पत्र जारी कर उच्च न्यायालय ने पहले ही 14 जुलाई से 20 जुलाई तक निचली अदालत को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया था, जिसे 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद अब 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाए दिए जाने का फैसला सुनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय के आदेश से बिहार की सभी निचली अदालतों में केवल रिमांड और रिलीज का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। चिराग पासवान ने लोजपा नेताओं की बुलाई वर्चुअल मीटिंग। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान लगातार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयारियों का पूरा करने में लगे हुए हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसके लिए 28 जुलाई को अपनी पार्टी के नेताओं की अहम बैठक बुलाई है, जो कि आज दोपहर 2 बजे के आसपास आयोजित करवाई जाएगी। चिराग पासवान पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार की मौजूदा स्थिति पर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं के साथ समीक्षा की जा रही है। ICMR ने राज्य सरकार से RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन की क्रॉस चेकिंग करने की मांग। बिहार सरकार के लगातार कोविड-19 की जांच में कमी होने की वजह से आलोचना की जा रही थी, लेकिन राज्य में इस किट की मदद से अनुमंडल स्तर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक के जांच शुरू करवा दिए गए हैं और इसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। हर दिन मरीजों की संख्या में 2,500 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं ICMR के निर्देश के अनुसार RT-PCR से रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से किए जा रहे जांच की रिपोर्टिंग को क्रॉस चेकिंग करने का भी आदेश जारी किया गया है, लेकिन बिहार में अभी क्रॉस चेकिंग नहीं हो रही है। इस कारण से कोविड-19 संक्रमण की चेन की जानकारी पूरी तरीके से सामने नहीं आ रही है। RCP सिंह ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उतरने की कही बात। जदयू के विधानसभावार वर्चुअल सम्मेलन के 10वें दिन जदयू नेता RCP सिंह ने अपने संबोधन के दौरान APJ अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया, साथ ही कहा कि बिहार का पुराना गौरव लौटाने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच को डॉक्टर कलाम ने बहुत ज्यादा बल दिया था। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार से पहले की सरकार के बिहार के विकास को लेकर ना कोई सोच थी और ना कोई कार्यक्रम था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही उतरने वाले हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जुनैद खान ने विराट कोहली को बताया सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जुनैद खान ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की खूब तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने विराट कोहली को सभी प्रारूपों में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया है। जुनैद ने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बताया कि कोहली की निरंतरता उन्हें बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन से काफी ज्यादा आगे रखती है। इनमें कोई शक नहीं है कि कोहली तीनों प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बाबर आजम, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ इस समय विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इन सभी के ऊपर कोहली है क्योंकि वो तीनों प्रारूपों में ही शानदार है। टेलीग्राम ने रोल किए नए फीचर। भारत में इन दिनों प्रोफेशनल की पहली पसंद बन चुके टेलीग्राम ने अपने फीचर में बदलाव किया है। मिली जानकारी के अनुसार टेलीग्राम में 2 GB तक की फाइल ट्रांसफर की जा सकती है। फाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है। टेलीग्राम की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मोबाइल ऐप यूजर अपनी प्रोफाइल में वीडियो लगा सकते हैं। डार्क मोड फीचर भी उपलब्ध है। इसके अलावा अनलिमिटेड भी बात कर सकते हैं। एक फाइल का अधिकतम साइज 2 GB हो सकता है। भारत में प्रोफेशनल्स ने इसे व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप इस
से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, सुनील सावरिया, प्रवीण कुमार, रमेश कुमार, मनीष मौर्य, संजीत कुमार, सुनील कुमार, भानु कुमार, चमन कुमार राव, बिट्टू कुमार, दीपक मंडल, अनिल प्रसाद, गुड्डू कुमार, अमन सिद्दीकी, दिनेश राय, अनिल कुमार पासवान, सोनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नालंदा खुला विश्वविद्यालय में भोजपुरी भाषा की पढ़ाई करवाए जाने के रवि किशन के मांग पर सरकार को कदम उठाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।